भारत में अंग्रेजों की हुकूमत की स्थापना के साथ ही अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। 1780 से 1792 के बीच कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, वर्तमान में कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से ये पत्रिकाएं छपने लगी। भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुआत 1818 में मार्श मान द्वारा बंगाल के श्रीरामपुर में बंगाली भाषा में दिग्दर्शिका नामक पत्रिका से हुई। राजा राम मोहन राय प्रथम फारसी साप्ताहिक पत्रिका मिरात उल अखबार 1822 में प्रकाशित करने लगे। भारत में विभिन्न प्रांतों में स्थानीय भाषाओं में पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगीं। 1860 और 1890 के बीच कई महत्वपूर्ण अंग्रेजी दैनिक अखबार छपने लगे जो आज तक चल रहे हैं। इनमें टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, द हिंदू प्रमुख है। 1881 में लोकमान्य तिलक ने मराठी में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रिका केसरी प्रारंभ की। भारत में प्रकाशन प्रारंभ होते ही औपनिवेशिक राज्य ने उस पर नियंत्रण करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इनका लगातार कड़ा विरोध होता रहा और अक्सर राज्य को इन नियंत्रणों को कम करना पड़ा। 1799 में ही पहला कानून बना जिसके अनुसार प्रकाशक को अपना नाम और पता प्रकाशित करना पड़ता था ताकि सरकार जरूरत पड़ने पर पूछताछ कर सके और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने से पहले सरकारी सेंसर को दिखाकर अनुमति लेनी होती थी। 1878 में भारतीय भाषा पत्रिकाओं पर विशेष नियंत्रण के लिए कानून बनाया गया जिसके अनुसार प्रकाशकों को आश्वासन देना पड़ता था कि वे ऐसा कुछ नहीं प्रकाशित करेंगे जिससे शांति भंग हो या सरकार के विरुद्ध हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक बड़ी रकम सुरक्षा राशि के रूप में जिला मजिस्ट्रेट के पास रखनी पड़ती थी जिसे अप्रिय सामग्री प्रकाशित करने पर वह जब्त कर सकता था। भारतीय प्रकाशकों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1881 में इसे हटाया गया, लेकिन इस तरह का कानून 1910 में फिर से लागू हुआ और 1922 में हटाया गया और फिर 1931 में फिर से लागू किया गया। प्रेस कानून के इस इतिहास से स्पष्ट होगा कि भारतीय मध्यम वर्ग ने इस कानून का कड़ा विरोध किया और लगातार उसे हटाने पर जोर डाला। भारत में भी प्रेस बैनर या बड़े पत्रिका घराने हैं। इनमें से प्रमुख रहे हैं द हिंदू के कस्तूरी अयंगार परिवार, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स के साहू जैन परिवार, इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता के गोयनका परिवार और इंडिया टुडे समूह के आदित्य बिरला परिवार। इनमें से पहले तीन स्वतंत्रता से पहले ही स्थापित हुए थे। इन चार परिवारों के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी कई प्रेस घराने हुए जो हिंदी व अन्य भारतीय भाषा पत्रिकाओं को चलाते हैं।